हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष चौधरी। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका कंपटीशन गुरु चैनल में। दोस्तों, आपने एसआई की फर्स्ट वीडियो देखी होगी, उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, यानी कि दो क्वेश्चन थे जिनका जवाब मैंने कमेंट में मांगा था। ठीक है, तो दोस्तों कमेंट अभी मैंने देखी नहीं है, क्योंकि ये वीडियो भी उसी दिन शूट हो रही है जिस दिन फर्स्ट वीडियो हुई थी। तो आप जवाब दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूँगा। एक बार मैंने बता देता हूँ आपको कैसे होंगे। ठीक है, फिर इस वीडियो में भी एक दो क्वेश्चन होंगे आपके लिए, तो उन्हें सॉल्व करके भेजना है। ठीक है, तो दोस्तों जो बीच में क्वेश्चन था वीडियो के, वो था एक बैंक कुछ इस तरह का नियम निकालता है कि पहले कितने वर्ष में, पहले दो वर्ष में 3% एसआई की दर रहेगी और अगले 3 वर्ष में 5% और अगले 1 वर्ष में। दोस्तों वहाँ पर दिक्कत थी, शायद सर ने 5 वर्ष के लिए बोला है, यानी कि पहले 2 वर्ष में एसआई की दर 3% है और अगले 3 वर्ष में एसआई की दर 5% है और अगले 5 वर्ष में एसआई की दर 10% है। तो ये जो 5% है लास्ट वाला, वो 5 वर्ष है, तो ये 5 वर्ष नहीं 1 वर्ष है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन है कि पहले 2 वर्ष के लिए 3% दर रहेगी और अगले 3 वर्ष के लिए 5% दर रहेगी और अगले 1 वर्ष के लिए, अगले 1 वर्ष के लिए दर रहेगी 10%। तो क्वेश्चन में बोला तो है वहां पे कि 6 वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में 6200 रुपये प्राप्त होते हैं, यानी कि इंटरेस्ट उसे कितना प्राप्त होता है, 6200 रुपये, 6200 रुपये मिलते हैं उसे। ठीक है, तो मूलधन बताना है आपको, यानी कि प्रिंसिपल। तो दोस्तों मैंने आप देखो बताया क्या था, बताया था कि जब भी मुझे अगर ब्याज मिलेगा, कैसे मिलेगा, मेरे पास 100 रुपये हैं। ठीक है, मेरे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये अगर मैं ये वाली ब्याज लेता हूँ और ये वाले समय लेता हूँ, तो 2 मेरी वर्ष हैं और 3 मेरी ब्याज है, तो कितने मिलेंगे, 6 रुपये ही तो मिलेंगे भाई। पहले वर्ष में 3%, यानी कि 100 पे 3 रुपये, फिर अगले वर्ष भी 3 रुपये, तो कितने हो गए, 6 रुपये हो गए। इससे बढ़िया मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि अगर 5-6 वर्ष की बात हो तो प्लस करने में दिक्कत होगी ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये है कि 6 रुपये मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी तरह से सॉल्व करना है इसको कि अगर मैं बात करूं कि पहले 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, पहले 2 वर्ष में मिलेगा 6 रुपये। ठीक है, अगले 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, अगले 3 वर्ष में मिलेगा भैया 15 रुपये। ठीक है, और उसके बाद में 10 रुपये फिर यहां पे मिलेगा, इतना ब्याज मिलेगा। ठीक है, ब्याज कितना मिलेगा, इतना, कितने हो गए ये, 10 और 15 25 और 6 31। ठीक है, 31 रुपये मुझे ब्याज के रूप में मिलते हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 31 नहीं, मुझे कितने मिलते हैं, 6200 रुपये। 31 नहीं, मुझे मिलते हैं 6200। 31 की यहां पे देखना, एक का मतलब कितना आ जाएगा, 200। मूलधन कितना होता है हमारा, 100, कितना हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 100, 20,000 रुपये। ठीक है, आता है समझ में कैसे निकाला है, बस इतना सा सॉल्विंग है आपकी भाई। इसको तो क्वेश्चन में से ही ले लोगे, कैसे, अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे लिखोगे थोड़ी कि 2 और 3, 3 और 5 और 1 और 10, ऐसे नहीं लिखना ना, लिखना है आपको सीधा कि 2 में 3 की मल्टीप्लाई करके 6 ब्याज मिल गया मुझे इंटरेस्ट, और 3 वर्ष में मिलेगा फिर 15 और 1 वर्ष में मिलेगा 10, यानी कि टोटल मिला के 6 वर्ष में मिल गया मुझे 31 रुपये। 31 का मतलब दे रखा है 6200, तो 31 का मतलब 6200, 1 का मतलब 200 आ गया इसको काट के। अब मेरे पास 100 रुपये हैं, यानी कि मूलधन मेरा 100 होता है, तो 200 × 100, ठीक है, तो 20,000 आ गया, सही है। तो दोस्तों इस तरह से आपको सॉल्व करना था, केवल इतना सा सॉल्विंग था, क्वेश्चन था बड़ा। लास्ट वाले जो वीडियो में लास्ट वाला क्वेश्चन था उसकी बात करता हूं मैं अभी। देखो क्वेश्चन था, 12.5% की एसआई की दर थी और 8 वर्ष में कोई धन कितना हो रहा था, 12,000 रुपये हो जाता है, तो मूलधन कितना है। सिंपल सा था, देखो 12.5% को कितना लिखते हैं हम, 12 से 1/2 को लिखते हैं हम 25/2। ठीक है, 25/2 लिखते हैं। अब इसमें कितने वर्ष की बात है, 8 वर्ष की, मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, 2 से कटेगा 4 बार, 25 चौके 100 रुपये मुझे ब्याज के रूप में मिलेंगे। अगर 100 रुपये थे मेरा मूलधन, तो मुझे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा ना, 200 हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपये ब्याज के रूप में मिल रहे हैं, 100 और 100 200 हो गए ना। अब वो बोल रहा है कि 12,000 हो जाता है, जब 200 का मतलब है 12,000, तो 100 का मतलब कितना होगा भाई, आधे कर दो सीधा, 6,000 हो गया,
ठीक है 6000 हो गया ना, सिंपल था ना क्वेश्चन, आ रही है बात समझ में? कल वाला ही था ऐसा ही, कि जो फर्स्ट वीडियो उसको देखो बिल्कुल समझ में आएगा कैसे कराया मैंने, बिल्कुल सेम जो लास्ट में क्वेश्चन था उसी की तरह है। कि हमें मिलाना क्या होता है, हमें देखना क्या होता है कि इसमें जो भी दर और टाइम दे रखा होता है, यानी कि रेट हमें दे रखी हो 5 और टाइम भी 5 दे रखा हो, तो मेरा जो इंटरेस्ट हो जाएगा ना वो 25 रुपये हो जाएगा, 100 रुपये पर हो जाएगा 125। 5 वर्ष में 5% की दर से मुझे 100 रुपये पर 125 रुपये मिलेंगे, यानी कि 25 मेरे इंटरेस्ट हो जाएगी। ऐसे ही मैंने यहाँ पे कराया कि रेट की मल्टीप्लाई टाइम से किया, तो रेट की मल्टीप्लाई टाइम से करेंगे तो 2 को 8 काटेंगे 4 बार, 25 चौके 100 हो गए, ठीक है। 100 मुझे इंटरेस्ट मिला और 100 मेरा मूलधन मानते ही मानते हैं, 100 और 100 200 हो गए, यानी कि आपका अमाउंट कितना हो गया 200, अमाउंट 200 है लेकिन 12000 क्वेश्चन में दे रखा है। जब 12000 क्वेश्चन में है तो आप देखेंगे कि 200 का मतलब 12000, तो 100 का मतलब 6000, सीधा सीधा आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन बढ़ाते हैं आगे और नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप थोड़ा सा बढ़िया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देखना, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका सॉल्यूशन में, बिल्कुल सेम जो पहले क्वेश्चन कराया था बिल्कुल उसी तरह का है। एक बैंक ने नियम निकाला, क्वेश्चन देखना एक बार समझना भी, एक बैंक ने नियम निकाला कि कोई धन जमा करने पर पहले 3 वर्ष में ब्याज की दर 2% और अगले 4 वर्ष में ब्याज की दर 5% एवं इसके आगे 10 वर्षों तक ब्याज की दर 11% रहेगी, ठीक है। इस प्रकार उसे 10 वर्ष के बाद में मिश्र धन 63,600 रुपये मिलता है, ब्याज कितना है? आती है बात समझ में? जो अभी मैंने इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया था उसी का उसी टाइप का है बिल्कुल, लेकिन इसमें एक अंतर है, क्या? उसमें इंटरेस्ट दिया था आपको और इसमें दिया है आपको अमाउंट। इंटरेस्ट दिया था उसमें 6200 रुपये यानी कि 6200 और इसमें दिया है 63,600 रुपये आपको अमाउंट, ठीक है। तो दोस्तों इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से होगा, मैं बताऊंगा फिर। बस इसमें करना क्या है, आपको जब वो निकल आए ना कि इतने 2 से 3 को करेंगे तो 6, फिर 10 आ जाएगा यहाँ पे, जो भी आएगा इस तरह से कि 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, इसके बाद में कितने हो गए 15, लेकिन ये जो इसमें अमाउंट दिया हुआ है ना तो ये जोड़ देंगे उसमें कि 100 प्लस 15, अब करेंगे उसकी 63,600 से। आगे बात समझ में, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, हमने पहले क्या किया था, हमने 15 का ही किया था, यानी कि जो 31 निकल के आया था उसी का तो करा था 6200 से, लेकिन इसमें प्लस 100 होके होगा क्योंकि ये अमाउंट है यानी कि मिश्र धन है ये, तो 100 प्लस करके ही तो होगा मिश्र धन, ये तो केवल ब्याज है, ठीक है। तो करके देख लेना एक बार, फिर सॉल्यूशन मैं बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन अच्छा है और अच्छे लेवल का है, ठीक है। 2600 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग पर 6% SI की दर से 9 वर्ष में मिला ब्याज, साधारण ब्याज ही होगा मिला ब्याज, दूसरे भाग पर 5% SI की दर से 10 वर्ष में मिला ब्याज बराबर है, यानी कि हमें एक तो 2600 रुपये को बांटना है 2 भागों में ऐसे में कि पहले पर 6% दर हो और मल्टीप्लाई 9 वर्ष हो, दूसरे भाग में 5% दर हो और 10 वर्ष हो, मतलब इस पे मिलेगा 50 रुपये ब्याज और इस पे मिलेगा कितना 54। आती है बात समझ में, क्यों किया मैंने इनकी मल्टीप्लाई? अरे सारा कुछ तो बता रहा हूँ SI में, जितनी भी वीडियो अभी मैंने दी है, शायद पे एक ही दी है, दूसरी ये है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये पहली वीडियो से ही बताता आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसको समझ लेना एक बार, ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि ब्याज मिलता है मुझे इतना, यहाँ पे मिलेगा इतना, ये हो गया 54 और ये हो गया 50, इसको काटेंगे तो ये हो गया 27 और ये हो गया 25, ठीक है। टोटल मिला के दोनों होता है 52 होता है ना। अब मुझे 2600 रुपये को बांटना है, देखो मुझे बांटना है 2600 रुपये को मैं अपोन में 52 होगा और मल्टीप्लाई में पहला हिस्सा 27 कितना हो जाएगा, ये कटेगा 100 बार और ये कटेगा 2 बार 50,
और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 0, 7 पन्ना 35 और 7 दूनी 14 और 3 1750। ठीक है दोस्तों, नहीं नहीं 5 दूनी 10 और 3 1350 रुपये। अब दूसरा कैसे निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे यहीं पे 25 कर देंगे मैं, 25 125 1250 हो गए, दूसरा हिस्सा इतना होगा। आती है बात समझ में कैसे निकाला है मैंने ये 2600 रुपये को बांटना है मुझे। एक बार दोबारा समझ लेते हैं, 2600 रुपये को बांटना है, 6% की दर है और 9 वर्ष तक 54 रुपये ब्याज हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसके बाद 5% की दर है, 10 वर्ष तक 50 रुपये ब्याज हो जाएगा। ये हुआ 54, ये हुआ 50, रेशियो में 27 हो गया, 25 हो गया, 2 से काट लिया, दोनों को जोड़ेंगे तो 52 हो गया। क्वेश्चन में दे रखा है 52, देखो इस तरह से समझते हैं इसे, ये तो समझ लिया होगा, अगर नहीं आता है तो एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब समझते हैं, देखो हमारे हिसाब से दोनों कितने आए, दोनों धन एक 27 में बांटा, एक 25 में बांटा, यानी कि पूरा धन मेरे पास 52 था। समझिए मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मेरे पास धन कितना आया, 52, मैंने एक 27 में बांट दिया, एक 25 में बांट दिया, तभी तो 52 था। लेकिन 52 था मेरे पास, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास था 2600। ऐसे समझाता आ रहा हूं हर क्वेश्चन में, ऐसे ही समझ लेते हैं, वो थोड़ा सा अलग था। 27 बांटा, एक भाग में 25 बांटा, मैं कह रहा हूं कि एक भाग को मैंने 27 दे दिए, एक भाग को 25 दे दिए, टोटल कितने थे, टोटल थे 52, 52, टोटल 52 है, तो एक भाग को 27 दिए, एक भाग को 25 दिए। मैं कह रहा हूं टोटल 52 थे, क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 2600 रुपए हैं, तो कितने 50, एक का मतलब 50, मेरा अगर एक हो तो क्वेश्चन कहेगा 50, ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन का 50, तो अगर मेरा 27 है तो क्वेश्चन का कितना होगा भाई, 27 गुणा 50 आता है समझ में, 1350 हो गए। और मैं कहूं कि मेरा एक और क्वेश्चन का 25 कितना हो जाएंगे, 25 गुणा 50, क्योंकि एक का मतलब 50 है ना, तो कितना हो गए 1250। जैसे समझ आता है ऐसे समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस सॉल्व करना आना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं आप और कितने टाइम में करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका बोलेगा, एक मिनट, हाँ जी क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखो इसमें चीज वही है, चीज तो वही है जो मैंने अभी करी थी, ठीक है, बस थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। देखिए एक बार, एक व्यक्ति ने अपने पास स्थित 45,000 रुपये को 2 मदों में इस प्रकार निवेश किया कि पहले भाग पर 7% SI की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% SI की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, 6% की दर पर निवेश किया गया धन कितना है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है ना, वही क्वेश्चन है बस कि एक व्यक्ति के पास स्थित, बस ये दे रखा है 45,000 रुपये ऊपर लिख लो आप, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कितना बोल रहा है, वो बोल रहा है कि 2 मदों में बांटा है 7% की दर से 6 वर्ष में, 7% की दर से, 7% की दर से 6 वर्ष में, और बोल रहा है कि 6% की दर से 8 वर्ष में, है ना, 6% की दर से 8 वर्ष में, हाँ ठीक है, 6% की दर से 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, 8 छक्के 48 और 7 छक्के 42, ठीक है। वैसे इसको 6 से 6 भी काट सकते हैं क्योंकि ये कट जाएगा, नहीं 6 से 6 नहीं कटेगा, यहां पे भी काटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 6 से 6 यहां पे भी काट सकते हो, बाकी अगर 6 यहां पे भी काट सकते हो, देखो 42 रेशो 48, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। अब 6 से काट सकते हो इसको, 6 7 42 और 6 8 48, 7 8 आ जाएगा यहां पे भी, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना हुआ मेरे पास, 15, बिल्कुल वही है, सेम टू सेम है, 45,000 बोल रहा है, यहां पे 15,000 बोल रहा है, ठीक है। देखो मैंने एक भाग को दिए 7 रुपये फर्स्ट को, और सेकंड को मैंने दे दिए कितने, सेकंड को दे दिए 8 रुपये, टोटल थे मेरे पास 15, क्योंकि जोड़ के देख लिए ना मैंने, मुझे पता नहीं है कितने है। मैंने एक भाग को 7 दिए, एक भाग को 8 दिए, मुझे पता नहीं है कितने, एक भाग को 7 दिए, एक भाग को 8 दिए, टोटल करके देख लेते हैं, मेरे पास 15 रुपये थे, 15 थे तभी तो 7 और 8 दिए,
मेरे पास 15 रुपये हैं, क्वेश्चन कह रहा है नहीं 45,000 रुपये हैं। 15 का मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 45,000 रुपये हैं, 15 × 3 = 45, 1 का मतलब आ गया 3,000। भाई 1 का मतलब 3,000, तो 7 का मतलब कितना हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन 7 बोल रहा है ना, पहले भाग को कौन से भाग को, 6% वाले को बोल रहा है ना, वो पूछ रहा है 6% की दर से, तो 6% की दर तो ये वाली थी, तो सेकंड वाले को देखेंगे 8। बाकी अगर इसका पूछता तो देखो 7 में 3 की मल्टीप्लाई करते तो 21,000 हो जाते, और 8 की करेंगे तो 8 × कितना हो जाएगा 24। समझते हैं ना, बिल्कुल सेम वही है भाई। देखो 45,000 थे, इसका कोई दिक्कत नहीं है, हम लिखेंगे 7% की दर से 6 वर्ष में, और 6% की दर से 8 वर्ष में 42 हुआ, 48 हुआ, 6 से काट दिया यहाँ पे, तो 7 और 8, मुझे नहीं पता मेरे पास कितने रुपए हैं। एक को मैंने 7 दे दिए, एक को मैंने 8 दे दिए, मैंने दोनों का टोटल किया तो भाई मेरे पास 15 रुपये थे, तभी तो एक 7 दिए काट दिए, मेरे पास 15 थे, मेरे पास 15 थे, क्वेश्चन कह रहा है 45,000 थे, 15 नहीं, 15 का मतलब 45,000, तो 1 का मतलब 3,000 हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि 6% की दर वाला हिस्सा बता दो, तो 8 है, तो 8 का मतलब 24,000, ठीक है। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन और एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। एक व्यक्ति 10,000 रुपये हैं, 10,000 ही हैं, अपने दो बेटों को जिनकी आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष है, जिनकी आयु क्रमशः 12 वर्ष और 14 वर्ष है, इस प्रकार बांटता है उनमें, जब वे 18 वर्ष के हो जाएं तो उनके पास अमाउंट यानी कि मिश्र धन यानी कि रुपए बराबर हो जाएं, यानी कि उनके पास बराबर धन रहे। दोस्तों एक बात बताओ, यहाँ पे बराबर धन रहे, सबसे पहले तो मैं इसको बात को क्लियर कर दूं, एक 12 वर्ष का है, एक 14 वर्ष का है, ठीक है। मैंने दोनों को दिए अलग अलग हिस्सा दिया, यानी कि मैंने इसको 80 रुपये दे दिए और इसको 150 दे दिए, 150 दे दिए, ठीक है, इसको 80 दे दिए, 100 150 दे दिए। वो बोल रहा है कि जब ये 18 वर्ष के हो जाएं, जब ये 18 वर्ष के हो जाएं ना दोनों, तो इनके पास ऐसे होने चाहिए कि इसके पास भी 200 हो जाएं और इसके पास भी 200 हो जाएं, यानी कि तभी तो धन बराबर होगा, तभी तो धन बराबर होगा। मैंने माना है अभी कि इसके पास 200 हो जाएं और इसके पास भी 200 ही हो जाएं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हुआ, एक तो इनमें 80 रुपये जुड़े हुए हैं, प्लस जो इन्हें इंटरेस्ट मिलेगा वो भी जुड़ा हुआ है, इसके 150 जुड़े हुए हैं और प्लस जो इंटरेस्ट मिलेगा इसे यानी कि ब्याज मिलेगा वो भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब ये दोनों जो हैं वो अमाउंट है यानी कि मिश्र धन है, आती है बात समझ में, तो हम मिश्र धन मानेंगे इसको, जो भी इसमें धन दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब समझते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छे लेवल का है दोस्तों। देखो 10,000 रुपये अपने दो बेटों में बांट रहा है, एक 12 वर्ष का है और एक 14 वर्ष का है, ठीक है। इस प्रकार बांटना चाहता है कि जब वे 18 वर्ष के हो जाएं तो उनके पास बराबर धन रहे, यानी कि अमाउंट मिश्र धन बराबर रहे, ठीक है। यदि एसआई की दर 10% हो, एसआई की दर 10% हो, तो 12 वर्ष वाले को कितना धन मिलेगा, समझते हैं। मेरे पास ये देखो फर्स्ट बेटा आ गया, ये आ गया सेकंड, एक की उम्र है 12 और एक की उम्र है 14, ठीक है। एक की उम्र 12, एक की उम्र 14, दोनों पर 10%, इस पर भी 10%। अब ध्यान से ये बात समझनी है आपको कि किसको हम धन ज्यादा दें और किसको कम दें, किसको हम धन ज्यादा देते हैं और किसको कम देते हैं, क्यों, क्योंकि देखो भाई 18 वर्ष के जब ये होंगे ना, 18 वर्ष के जब ये होंगे तो इनके पास बराबर धन रहेगा, जब ये 18 वर्ष के होंगे बराबर धन रहेगा तो देखो इसे कितने वर्ष ब्याज मिलेगी, 4 वर्ष, और इसको कितने वर्ष मिलेगी, 6 वर्ष। भाई 12 से 18 होने में 6 वर्ष बाकी है ना, तो इसको 6 वर्ष तक ब्याज मिलेगी, यानी कि ब्याज ज्यादा टाइम तक मिलेगी, यानी कि ब्याज ज्यादा मिलेगी, ब्याज ज्यादा मिलेगी तो अमाउंट थोड़ा सा कम रख दें, इसका अमाउंट थोड़ा सा कम रख दें, इसको ब्याज केवल 4 साल तक मिलेगी, इसको 6 साल तक मिलेगी और इसको 4 साल तक मिलेगी, क्योंकि 14 और 18 में 4 साल का फर्क है, जब 18 तक हो जाएगा तो 4 साल ब्याज मिलेगी, यानी कि ब्याज इससे थोड़ा कम मिलेगी, यानी कि इसको अमाउंट थोड़ा ज्यादा दे दें क्योंकि ब्याज कम मिलेगी, इसको ब्याज ज्यादा टाइम तक मिलेगी, ज्यादा मिलेगी तो थोड़ा अमाउंट कम दे देते हैं,
आती है बात समझ में? जिसको ब्याज ज्यादा मिल रही है थोड़ा सा अमाउंट कम दे दो, और जिसको ब्याज कम टाइम में मिल रही है उसे अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा दे दो, ठीक है? तो इसको अमाउंट देते हैं हम 6। क्यों 6 वर्ष क्यों देते हैं? देखो इसका 6 वर्ष दे दिया और इसको इसका 4 वर्ष दे दो, 10% तो दोनों में हम दे रखी है रेट हमारे पास 10% दोनों में। एक को 6 वर्ष तक ब्याज मिलेगी, एक को 4 वर्ष तक मिलेगी। 4 वर्ष वाले को कम ब्याज मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा दे दो, यानी कि थोड़े से रुपए ज्यादा दे दो भाई अमाउंट, थोड़ी ब्याज कम मिल रही है ज्यादा रुपए दे दो थोड़े से। इसको ब्याज ज्यादा मिलेगी भाई, ब्याज ज्यादा मिलेगी थोड़े से रुपए कम दे दो इसे, ठीक है? तो इसे टाइम दे दिया मैंने 6 वर्ष, इसे इधर कर दिया, इसे इधर कर दिया, इसको मिलेगी 40 और इसको मिलेगी 60, ठीक है? नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, देखो 40 और 60 हो गए। अब इसको बताना है हमें अमाउंट, अमाउंट कैसे 100 प्लस कर देते हैं यार, सीधी सीधी बात है, 140 और ये हो गया 160। क्यों किया? क्योंकि 100 मेरा प्रिंसिपल है, मूलधन है, 100 मूलधन, 40 ब्याज के मिले, 60 ब्याज के मिले, 160 140 मैंने कट किया, ये बना 8, ये बना 7। आगे बात समझ में, यहां तक आ गई समझ में? आती है? बिल्कुल सही है यार, सिंपल है, 10% दोनों में है, मैंने 4 इधर कर दिया, 6 उधर कर दिया, समझते हो क्यों? क्योंकि ब्याज थोड़ा सा इसे कम मिलेगा, अमाउंट ज्यादा कर दिया, ब्याज ज्यादा दे दिया, इसे ब्याज ज्यादा टाइम तक मिलेगा थोड़ा सा कम दे दिया, 100 प्लस किया क्योंकि ये अमाउंट है, मिश्र धन है, 140 हो गया, 160 हो गया, काटा इसको तो 7 और 8 आ गया, ठीक है? इसको मैंने 7 रुपए दिए थे, इसको 8 रुपए, टोटल कितना 15 नहीं, क्वेश्चन क्या कहता है 10,000 रुपये, 15 का मतलब है 10,000 रुपये, कितना हो गया? इसको काटेंगे तो 3 और ये 2, 2,000/3 ऐसे ही होगा ना, 1 का मतलब 15,000 का मतलब 10,000 है, वो 15 का मतलब 10,000 है, तो 1 का मतलब 2,000/3 आ जाएगा, ठीक है? अब पूछा क्या है? पूछा है कि किसकी, 12 वर्ष वाले की, 12 वर्ष वाले का कितना है 7, भाई 7 का मतलब देख लेते हैं, 2,000/3 × 7 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14,000/3, आता है समझ में? भाई काफ़ी समझा दिया है मैंने, दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से समझा देता हूँ। एक को मैंने 8 रुपये दिए, एक को मैंने 7 रुपये दिए, एक को 8, एक को 7, मुझे लगा मैंने पास 15 रुपये, क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 15 नहीं 10,000 रुपये, 15 का मतलब जब 10,000 हो गया तो 1 का मतलब 2,000/3 हो गया, और मुझे चाहिए 7 का मतलब, क्योंकि 7 पूछे 12 वर्ष वाले की पूछी है, अब 7 का मतलब कितना हो गया, मल्टीप्लाई 7 की कर दो, 14,000/3 हो गया, ठीक है? ये आंसर है इसका। एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों इसमें, तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है? एक क्वेश्चन मैंने पहले दे दिया है आपको करने के लिए, उसका कमेंट में जवाब दे देना एक बार, सॉल्व कर लेना अगर मन में आए, और ना मन में आए तो दोबारा देख लेना वीडियो को, ठीक है? यानी कि नेक्स्ट वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा करा कराया। लास्ट क्वेश्चन है, 18,600 रुपये के 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। दोस्तों क्वेश्चन थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, इसके आगे थोड़े से और करा दूंगा मैं आपको, तो दोस्तों ऐसा ही की टेंशन मत लो, मेरे पास क्वेश्चन बहुत है नोट्स में, कम से कम 100 से ऊपर क्वेश्चन है, इतने तो आर एस अग्रवाल की बुक में भी नहीं है, 25-30 क्वेश्चन है बस, तो क्वेश्चन तो जितने आप बोलोगे इतने करा दिए जाएंगे, बाकी मैं छोड़ देता हूँ, मेरे पास हर टाइप के 3-4 क्वेश्चन होते हैं तो मैं छोड़ देता हूँ, 1 या 2 ही कराता हूँ आपको, ठीक है? तो लास्ट क्वेश्चन है, 18,600 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहला भाग 2 वर्ष बाद, दूसरा भाग 4 वर्ष बाद और तीसरा भाग 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, मिश्र धन बराबर हो जाएगा, लेकिन रेट कितना है, रेट है भाई 10%, ठीक है? 2 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद और 5 वर्ष बाद, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग कितना है 2 वर्ष बाद, और दूसरा कितना है 4 वर्ष बाद, और तीसरा है 5 वर्ष बाद, 10% रेट है, 10% रेट, 10% रेट, ठीक है? कितना हो गया, पहला भाग तो 20 रुपये हो गया, दूसरा भाग 40 रुपये और तीसरा भाग 50 रुपये, इनको बराबर कर दूं, बराबर कर दिए,
लेकिन एक गलती है यहाँ पे, समझ रहे हो क्या? एक गलती यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन में बोला है कि मिश्रधन बराबर है, मिश्रधन बराबर हो जाए, लेकिन ये तो ब्याज ही है, इंटरेस्ट ही तो है ये भाई, इंटरेस्ट ही तो निकाल रहे हैं हम। आप पूरा वीडियो देख के आ रहे हैं तो ये इंटरेस्ट ही तो है, जब टाइम की और रेट की मल्टीप्लाई कर दें तो इंटरेस्ट आता है। इसमें अगर 100 का नोट और लगा दें अब हो गया ये, तो ये बराबर है ना कि ब्याज, मिश्र धन अमाउंट, ठीक है। तो इसको काटेंगे हम यहाँ पे, ये तीनों हिस्से बताने हैं मुझे, ऐसा ही हो तो तीनों हिस्से ज्ञात करो, तीनों हिस्से यानी कि रेशियो में आएंगे, ये तो सबको पता है। देखो मैं इसकी एक बार निकाल के, मल्टीप्लाई मत करो इसका, सीधा कर लो 12, 14 और 15, इसको नीचे लिखूंगा तो कितना आएगा, 12 से 12 कट जाएगा, 14 × 15 आ जाएगा, और इसको लिखूंगा मैं तो 14 यानी कि 12 × 15 आ जाएगा, और इसको लिखूंगा तो मैं यहाँ पे ये आएगा 15 कट जाएगा तो 12 × 14 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 से काट देता हूँ, 3 से 5 बार कटेगा, 3 से 5 बार कटेगा और 3 से 4 बार, ठीक है। फिर 2 से काट देता हूँ, 2 से 7 बार कटेगा, 2 से 6 बार और 2 से 2 बार, 14 × 2 = 28 आ गया, 6 × 5 = 30 और 35, इतने ही तो होंगे हिस्से, 35, 30 और 28, आता है समझ में कैसे किया भाई? ऊपर से तो सिंपल है, नई चीज़ तो इसमें यही है, ऊपर से तो सिंपल है, समझाना बिल्कुल बेकार है क्योंकि आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार समझा देते हैं। मैंने बताया था कि रेट की और टाइम की जब भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। बता दिया मैंने, जैसे 100 को अगर मुझे 2 वर्ष के लिए 2 की रेट से ब्याज मिले तो 4 रुपये हो जाएगा 2 वर्ष में, ये हुआ 20 रुपये, ये हुआ 40 रुपये और ये हुआ 50 रुपये, मैंने बराबर किए। लेकिन इसमें 100 का नोट लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मिश्र धन बराबर है, तो 120, 140, 150 जीरो से जीरो कट गई। अब मैंने इनका एलसीएम ले लिया क्योंकि ये बराबर है, ठीक है, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि रेशियो निकालना है मुझे, ठीक है, अनुपात में। तो 12, 14 और 15 मल्टीप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि टाइम लग जाएगा, 12 से 12 कटेगा तो यहाँ पे 14, 15 रह जाएगा, यहाँ 14 कटेगा तो 12, 15 रह जाएगा, और यहाँ पे 15 कटेगा तो 12, 14 रह जाएगा, ठीक है। इसको काटा पीटा थोड़ा सा और 35, 30 और 28 हो गया रेशियो। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन आज का, और वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वगैरह कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना है ही, तो थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों पहले क्वेश्चन जो दिया था मैंने वीडियो के शुरू में ही, लास्ट वीडियो के क्वेश्चन बताएं, और एक क्वेश्चन दिया है आपको, उसका जवाब दे देना कमेंट में अगर टाइम मिल जाए तो थैंक यू।